ओके आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी स्विचिंग उस पर टिकी हुई है। अगर वो आप कंसेप्ट क्लियरली आपने पकड़ लिया, वो क्लियरली आपने समझ गया, तो आपका मतलब स्विचिंग का लगभग 20% पार्ट आपने कवर कर लिया। वो इतना बड़ा टॉपिक है और कुछ नहीं करना होता है, होता सब कुछ है, बस आपको समझना है। वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट रहती है नेटवर्क में, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, राइट? वन इज देयर, देयर इज वन राउटर, राउटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑल राइट? Then router connected your switch, right? Then your switch is connected to another switch. ये एक छोटा सा नेटवर्क है, बहुत ही मतलब छोटी से छोटी कंपनी देखोगे उसमें एक ऐसा नेटवर्क मिल जाएगा, बहुत छोटी, जहां पे 10-15 लोग काम करते हैं या फिर 30 लोग काम करते हैं, उस कंपनी में आपको इस टाइप का नेटवर्क मिल जाएगा, राइट? अब जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो होती गई, राइट, जैसे मान लेते हैं बड़ी, इसके यूजर बढ़ते गए, इसका प्रोडक्शन बढ़ता गया, इसका टर्नओवर बढ़ता गया, तो इसने क्या किया कि भाई जो यहाँ पे सर्वर था, एक इंटरनल सर्वर था और एक यहाँ पे सर्वर था, ठीक, जब ये वाला लैपटॉप अपने इस सर्वर को एक्सेस कर सकता था, राइट, किसके थ्रू? राउटर तक पहुंचे बिना ही, क्योंकि ये तो L2 नेटवर्क है ना, तो क्या भेजता था? ये ARP रिक्वेस्ट भेजता था, ARP का रिप्लाई आता था, तो इसको मैक एड्रेस पता चल जाता, देन इट कैन कम्युनिकेट दिस लैपटॉप विद दिस पीसी, राइट? द वन डे दिस लिंक वेंट डाउन, ये लिंक डाउन चली गई, और तो मेरा एक ही सर्वर था, कंपनी ग्रो हो रही थी उस टाइम, उसको धक्का लगा और पूरा नेटवर्क डाउन चला गया। तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे रेडुडेंसी चाहिए। क्या चाहिए? आई नीड रेडुडेंसी। व्हाट इज रेडुडेंसी? रेडुडेंसी सिंपल सा मतलब बोला कि भाई मैं एक पाथ पे भरोसे नहीं रह सकता, बोला आई कैन नॉट डिपेंड ऑन सिंगल पाथ। सिंगल पाथ मीन्स बोला कि भाई ये वाला जो आपका नेटवर्क था ये मुझे पसंद नहीं आया, इस टाइप की टोपोलॉजी। बोला तो फिर क्या करें? तो बोला कि भाई मेरा तो एक ही नेटवर्क था, वो डाउन चला गया, तो बोला कि भाई आप ऐसा काम करो, एक और स्विच लगा दो, राइट? बोला कि भाई ठीक है, एक और स्विच लगा दिया, अब रेडुडेंसी हो गई इसके, अब वो सर्वर कहां पे कनेक्ट है? यहां पे कनेक्ट है। अब अगर इस पीसी को इस तक जाना है तो इसके पास कितने पाथ अवेलेबल है? दो रास्ते अवेलेबल है, वो इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है, इधर से जाएगा तो इधर से चला जाएगा, और इधर से सीधा जाएगा तो इधर से चला जाएगा। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस की? रेडुडेंसी। रेडुडेंसी क्या होता है? मोर देन वन पाथ। क्या होता है? मोर देन वन पाथ, ऑल राइट? मोर देन वन पाथ एग्जिस्ट। बोला कि भाई ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स साउंड्स ग्रेट, ओके, सो बहुत अच्छी चीज थी ना, रेडुडेंसी इज गुड, बिकॉज नाउ अगर ये लिंक डाउन चली जाती है तो माई पैकेट स्टिल कैन गो थ्रू दिस वे, राइट? दैट वॉट इज डज रेडुडेंसी, ओके, बट वॉट ही डज ब्लंडर। आई मीन हाउ ब्लंडर कैसे किया इसने? कैसे इसने मतलब, ये तो इसने तो अच्छी चीज है ना, रेडुडेंसी लगा दी, ये तो अच्छी चीज है भाई, एक लिंक डाउन चली गई तो दूसरे से चला जाएगा, इसमें वॉट इज द थिंग लाइक दैट ब्लंडर? नथिंग, बट लेट्स अंडरस्टैंड, ओके, अगेन ये स्विच है,
ये स्विच है, ये स्विच है, राइट, ये मेरा सर्वर है, ठीक। ओके अब इस सिनेरियो में क्या है, ये एक पीसी है या लैपटॉप है। ओके अब इसको यहां तक पहुंचना है, तो जो लेन में कैसे पहुंच सकता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात कर सकता है, कौन सी रिक्वेस्ट के थ्रू, आर्प रिक्वेस्ट के थ्रू। और आर्प रिक्वेस्ट में पहला मैसेज क्या होता है, आर्प ब्रॉडकास्ट, राइट, ब्रॉडकास्ट होता है, दैट्स हाउ ए कंप्यूटर टॉक टू अनदर कंप्यूटर इन लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो इसने क्या किया, इसने अगर पहला पैकेट क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट पैकेट हो गया, तो इसने क्या भेजा, ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा, कौन से स्विच को, इस स्विच को। ओके इस स्विच ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट पैकेट का मतलब पता है ना, 12 बार F, और आईपी का ब्रॉडकास्ट कौन सा एड्रेस होता है, 255.255, और मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 12 टाइम F। तो ये स्विच क्या करेगा, स्विच करेगा अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, फ्लडिंग करेगा, फ्लडिंग क्या करेगा, कि भाई आई डोंट नो दिस मैक एड्रेस, ठीक है, ये मैक एड्रेस मेरी टेबल में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्विच क्या करेगा, बोला कि मुझे नहीं पता, आई विल फ्लड आउट दिस फ्रेम आउट ऑफ एवरी पोर्ट एक्सेप्ट फ्रॉम इट हैज रिसीव्ड। तो क्या किया, जैसे ही वो फ्रेम इससे मिली, स्विच बोला कि भाई इस पोर्ट से तो आया है, इस पोर्ट को छोड़ के मैं सारे फ्रेम पे भेज देता हूँ, सारे पोर्ट पे भेज देता हूँ। तो वो फ्रेम यहाँ पे गई और इधर गई, राइट, ऐसा ही हुआ है। नाउ ये स्विच क्या करेगा, बोला अगेन सेम रूल्स, जहां से फ्रेम रिसीव ही हुई है उस इंटरफेस को छोड़ के सारे इंटरफेस पे भेज देना। तो इस इंटरफेस में उसको फ्रेम मिली इस स्विच को, तो क्या किया इसने, इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दिया, राइट। और सेम स्विच, सेम काम इसी स्विच ने किया कि भाई जिस इंटरफेस पे मुझे वो फ्रेम मिली है उस इंटरफेस को छोड़ के आई विल फॉरवर्ड इट आउट ऑन एवरी पोर्ट। तो इसने क्या किया, इस स्विच पे उसको फ्रेम मिली, तो इस फ्रेम इस पोर्ट को छोड़ के इसने क्या किया, इधर फॉरवर्ड कर दी और इधर फॉरवर्ड कर दी। अगेन ये स्विच क्या करेगा, सेम रूल, जिस पोर्ट से मिला है उस पोर्ट को छोड़ के सारे फ्रेम पे, सारे पोर्ट पे भेजना, तो इससे पोर्ट से मिला है तो इधर भेज देगा, वो फ्रेम वापस इस पे आई तो इसको छोड़ के इस पे भेज देगा, इस पे भेज देगा, अगेन इस पे आया तो इस पोर्ट को छोड़ के इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, अगेन इस पे आया इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, अगेन दिस इज कॉल्ड ब्लंडर। व्हाई, बिकॉज वी हैव जस्ट क्रिएटेड L2 लूप्स, क्या, वी जस्ट क्रिएटेड L2 लूप्स, लूप, वी इंट्रोड्यूस रेडुंडेंसी एंड वी इंट्रोड्यूस लूप्स, दैट्स ओके। सो देन वन मैन कम इन टू द पिक्चर, दैट इज कॉल्ड STP। ओके बोला कि भाई रेडुंडेंसी इज गुड एंड इट विल ऑलवेज बी गुड, कि भाई रेडुंडेंसी अच्छी चीज है और हमेशा रहेगी। तो बोला कि भाई इस लूप का क्या करूं मैं, ये लूप तो है, इस चीज से कैसे बचूं। तो इसने क्या कहा कि भाई वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है, जो जो लिंक लूप क्रिएट कर रही है उसको मैं क्या करूंगा, बोला कि आई विल ब्लॉक दैट लिंक, व्हाट आई विल डू, आई विल ब्लॉक दैट लिंक। ओके बोला काम कैसे करोगे,
कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, तुम तो जिस हिसाब से मर्जी है ना, जिस हिसाब से केबल लगा दो, मैं तुम्हारे लूप नहीं बनने दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि भाई तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तो ये अगर रास्ता खुला रहा तो लूप बनेगा, तो हो ही नहीं सकता कि भाई लूप ना बने। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को ब्लॉक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, बोला फिर भाई रेडुडेंसी का क्या हुआ, क्या भाई रेडुडेंसी तो है तुम्हारी, बोला कि अगर ये डाउन चली गई तो मैं इसको हाथों हाथ ओपन कर दूंगा, ठीक है, तब तक क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा, ठीक। तो एसटीपी क्या करता है, इट डज वेरी सिंपल थिंग, वन थिंग डज एसटीपी इज ब्लॉक रेडंडेंट लिंक इन लेयर टू नेटवर्क टू प्रिवेंट लूप। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एस टी पी, दैट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई कैन गिव गिव इट टू यू, राइट। क्या करता है, एस टी पी डज वन सिंपल थिंग, डिटेक्ट द लूप एंड ब्लॉक दैट लूप, दैट्स ऑल एस टी पी डज। ओके, ठीक, यहां तक किसी को कोई सवाल है? हाँ, कोई क्वेश्चन है यहां तक? ओके, अब मान लेते हैं कि भाई हमें यहां दिख रहा है, हमें खुली आंखों से दिख रहा है कि भाई इस नेटवर्क में लूप है, ठीक है, और लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी काम करेगा। तो एसटीपी बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे इनेबल रहता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट हर स्विच पे एसटीपी इनेबल रहता है, यू हैव टू डू नथिंग विद दैट एसटीपी। अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, दैट एसटीपी डज इट्स थिंग, राइट। सो ये स्विच है, ये एक इधर से रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, इस स्विच को कैसे पता चला कि भाई इस नेटवर्क में लूप है, हाउ डज दिस स्विच कम टू नो दैट देयर इज अ लूप इन नेटवर्क। दैट इज कॉल्ड बीपीडीयू, वॉट इज बीपीडीयू, बीपीडीयू मीन्स ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, दैट इज बीपीडीयू। सो वॉट इज बीपीडीयू, दैट इज अ मैसेज, एवरी स्विच सेंड दैट मैसेज, ठीक है, सब स्विच क्या भेजेंगे, बीपीडीयू भेजेगा, ये भेजेगा, इधर भेजेगा, ये मतलब ये इसने बीपीडीयू भेजा, घूम के इसके पास वापस आ गया, तो क्या हुआ, ये क्या स्विच समझा कि भाई देयर इज अ लूप, आई कैन डिटेक्ट इट बिकॉज, क्योंकि मैंने इस पाथ से भेजा और मुझे इस पाथ से वापस मिला है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तो इस रास्ते पे भेजा था और मेरा भेजा हुआ बीपीडीयू मुझे इस रास्ते से मिला है, तो मैं क्या समझूंगा कि भाई कोई एक और रास्ता है, इस रास्ते से गया और उस रास्ते से आया, इसका मतलब क्या है कि भाई एक रास्ता और एग्जिस्ट करता है। बोला कि सही है, सेम स्विच क्या करेगा, ये भी भेजेगा, क्या भेजेगा, बीपीडीयू, इधर से भेजेगा, इधर से आ गया वापस, तो क्या समझेगा, देयर इज अ लूप, राइट। ये स्विच भी क्या भेजेगा, बीपीडीयू, एवरी स्विच इन द नेटवर्क विल सेंड ए बीपीडीयू मैसेज, ठीक। बीपीडीयू मैसेज अभी लिए इतना ही समझते हैं कि भाई क्या करता है, डिटेक्ट ए लूप इन द नेटवर्क, व्हाई, बिकॉज इट्स गो एवरी 2 सेकंड में, हर स्विच हर 2 सेकंड में बीपीडीयू मैसेज भेजता है, क्या चेक करने के लिए, लूप इन द नेटवर्क,
loop in the network. All right. So now let's move to another part. Okay. Okay. What if there is what if there is no STP? अगर STP नहीं है तो क्या होगा? तीन चीजें होगी अगर आपके नेटवर्क में STP नहीं है तो. पहला क्या होगा? ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, L2 ब्रॉडकास्ट आप बोल सकते हो ना, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम. इसका क्या मतलब हुआ? ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम का मतलब ओके, अगर एसटीपी यहाँ पे मान लेते इनेबल नहीं है तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम होगा बहुत, जो पूरे नेटवर्क को डाउन कर देगा. जैसे मान लेते हैं वो फ्रेम गई इस रास्ते से, गई इस रास्ते से, गई ठीक है, इस स्विच ने इधर भेजा, इस स्विच ने वापस इधर भेजा, इस स्विच ने वापस इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा, दैट्स इनफाइनाइट, क्रिएट ए इनफाइनाइट लूप. ऑल राइट, दैट इज क्रिएट इनफाइनाइट लूप. वाई? ओके, अगर आपने हेडर ढंग से पढ़ा हो तो इथरनेट हेडर में, इथरनेट हेडर में क्या नहीं होता है? TTL. क्या नहीं होता है? TTL. अगर ये IP पैकेट होता तो उसमें क्या होता है? TTL होता है ना, TTL. अगर आपने इथरनेट हेडर को मैंने पढ़ाया था आपको बहुत अच्छी तरीके से, उसमें मैंने बताया था कि भाई आईपी के हेडर में एक वैल्यू होती है TTL, टाइम टू लीव. इसका मतलब होता है सीधा सा, मतलब कितने सेकंड या एक यूनिट, एक टाइम बोल सकते हो, कितने सेकंड तक वो पैकेट नेटवर्क में रहेगा, तो उसमें मैक्सिमम कितना होता है TTL. अलग अलग यूज में लेते हैं 255. इसका मतलब होता है कि भाई 255 होप के बाद तो वो पैकेट खत्म हो ही जाना है. ठीक, जैसे मान लेते हैं इस पे गया, TTL क्या हो गई? 254. इसके पास गया क्या हो गई? 253. इसके पास गया 252. यहाँ पे लूप है, इसने वापस भेजा कितनी हो गई? 251. इसने वापस भेजा कितना हो गया? 250. इसने वापस भेजा 249. तो एंड ऑफ द, जैसे ही जीरो पहुंचेगा वो पैकेट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय. राइट, लेकिन इथरनेट हेडर की बात करें, हम लेन की बात करें, लेन में क्या चलता है पैकेट? इथरनेट, इथरनेट पैकेट चलता है, इथरनेट फ्रेम, पैकेट नहीं फ्रेम बोलते हैं. और इथरनेट फ्रेम में कोई TTL वैल्यू सेट नहीं होती. इसका मतलब अगर कोई एक बार ब्रॉडकास्ट बन गया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक नेटवर्क में रहेगा. इनफाइनाइट टाइम का मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक, तो जो जितनी भी ब्रॉडकास्ट फ्रेम हो रही है वो हर फ्रेम इसके पास भी जा रही है, एक यहाँ पे और कंप्यूटर इसके पास भी जा रही है, एक यहाँ पे और कंप्यूटर इसके पास भी जा रही है, इसके पास भी जा रही है, इसके पास भी जा रही है, तो हर फ्रेम सब कंप्यूटर के पास जा रही है, सारे नेटवर्क में जा रही है. राइट, और हर कंप्यूटर को वो फ्रेम क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेस करनी पड़ेगी. और कोई भी चीज कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो दो चीजें कंज्यूम होती है, रैम और CPU. तो अगर मान लेते हैं हर सेकंड में मिलियन ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट आई इस स्विच के साथ, इस कंप्यूटर के पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास हर सेकंड मिलियन ऑफ पैकेट आए, देन दे क्या करेंगे? वो प्रोसेस कर पाएंगे इतने इतने पैकेट को, इतने हैवी ट्रैफिक को?
नो दे कैन नॉट प्रोसेस इट, तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फ्रीज, कुछ नहीं चलेगा आपका, सब कुछ डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम। ठीक, दैट्स वाई वी नीड एसटीपी टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, इज दैट क्लियर? फर्स्ट थिंग क्या करता है, इफ देयर इज नो एसटीपी अ ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम विल अकर एंड दैट विल डिस्ट्रॉय आवर नेटवर्क। ठीक, द सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग क्या होगी, सेकेंड थिंग होगी सेम अगेन वही टोपोलॉजी, जैसे कंप्यूटर कनेक्ट है, मान लेते हैं इसका मैक एड्रेस है 1.1.1 और इसका मैक एड्रेस है 2.2.2। ऑल राइट, ये इसने पैकेट भेजा, राइट, किसने भेजा, इस स्विच ने। ये बोला कि भाई जो 1.1. मैक एड्रेस है वो मुझे कौन से इंटरफेस से मिल रहा है, इस इंटरफेस से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इस इंटरफेस से। राइट, लेट्स ब्रिंग माय डॉक्यूमेंट टू यू। ऑल राइट, इस टोपोलॉजी में आपको दिख रहा है कि भाई मेरे पास एक टोपोलॉजी है और क्या कर रहा है ये, इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, एक मेरा ये कंप्यूटर है, ये इससे बात करना चाह रहा है, किससे बात करना चाह रहा है, सपोज करो ये वाला इससे बात, सॉरी, इससे बात करना चाह रहा है। ऑलराइट, तो पैकेट आया यहाँ पे और वो पैकेट कहाँ गया, इधर गया, राइट। अब ये वाला मैक एड्रेस बोलेगा मुझे कौन से एंटर, ये स्विच क्या सोचेगा, इसके स्विच में मैं एंट्री देखूंगा तो ये वाला मैक एड्रेस मुझे इस इंटरफेस से मिलेगा, राइट, करेक्ट, क्यों, क्योंकि मेरा पैकेट इधर से गया है और इस स्विच में एंटर किस इंटरफेस से किया है, तो बोला कि भाई इस इंटरफेस से मुझे ये वाला मैक एड्रेस मिल रहा है, राइट। अब जब ये ब्रॉडकास्ट था तो पैकेट इधर भी गया, राइट, अब ये स्विच और पैकेट इधर भी गया, राइट, अब ये स्विच बोलेगा कि भाई ये वाला मैक एड्रेस मुझे इस इंटरफेस से मिल रहा है, गीगाबिट 0/2 से, राइट, यही सोचेगा। और सेम टाइम वही पैकेट इधर से आ गया, बोला कि नहीं 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 ये वाला मैक एड्रेस मुझे इससे मिल रहा है, ठीक, तो वो बोलेगा भाई नहीं इससे नहीं मिल रहा है, इससे मिल रहा है। ऑल राइट, जब इसने वापस इसको भेजा, इसको फ्रेम यहां पे पहुंचा, तो इस स्विच को क्या बताया कि भाई ये वाला मैक एड्रेस तुझे इस इंटरफेस से मिल रहा है, तो ये स्विच तो इस धोखे में था कि भाई मुझे ये वाला मैक एड्रेस इससे मिल रहा है, नहीं बोला कि इससे मिल रहा है, तो इसने अपनी मैक एड्रेस टेबल चेंज की अगेन, ये स्विच ने वापस इधर भेजा, बोला कि भाई मैक एड्रेस कौन सा मिल रहा है, इधर से, ये वापस इधर से, वो जब ये पैकेट इधर से इधर, जब इधर से पैकेट आया तो इधर से भी जाएगा, राइट, इस स्विच के पास आया और वापस इधर गया, तो ये वाला मैक एड्रेस बोला कि इस इंटरफेस से नहीं मिल रहा, इसी से मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस अनस्टेबिलिटी, मैक एड्रेस अनस्टेबिलिटी। एक बार मैक एड्रेस किसी इंटरफेस से लर्न होना, देन सेम मैक एड्रेस दूसरे इंटरफेस से लर्न होना विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड, राइट, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस अनस्टेबिलिटी। सो एसटीपी ने क्या किया,
इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो हमारा इश्यू रिजॉल्व हो गया। ठीक, क्लियर। दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा पॉइंट, मैक एड्रेस अन स्टेबिलिटी। थर्ड क्या लाएगा? मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन। ओके, मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन मींस कोई मान लेते हैं जो इंटेंडेंट पार्टी है इसको भेजना है, दिस इज ए रिसीवर। क्या है? रिसीवर। अब हमने भेज दिया रिसीवर, तो इसको पैकेट यहां से भी मिला और यहां से भी मिला, और वापस जब ये इधर से भेजेगा, इधर से भेजेगा, इधर से भेजेगा, तो हर बार इसको नई फ्रेम मिलेगी, सेम कॉपीज ऑफ, डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ फ्रेम। तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सी फ्रेम। कंफ्यूजन हो जाएगा इस बंदे को, बोला भाई कौन सी फ्रेम सही है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि एक ही फ्रेम बार बार अलग अलग इंटरफेसेस से आ रही है उसके पास। राइट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, एंड एसटीपी सॉल्व ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, मैक एड्रेस अनस्टेबिलिटी एंड मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन। हाउ? बाय ब्लॉकिंग रेडुडेंट पाथ। हाउ द एसटीपी प्रिवेंट फ्रॉम दीज इश्यूज? बाय ब्लॉकिंग रेडुडेंट पाथ। राइट, ओके, लेट्स गेट इनटू द एक्शन नाउ। ये मेरा पैकेट ट्रेसर लाता हूं, मैं ओपन करता हूं, देन आई कनेक्ट थ्री स्विच। ओके, यू सी इसमें क्या किया है, ये अनब्लॉक हो गया। राइट, अब मैं एक बार इनको, इन पे क्या करता हूँ, देखिए एसटीपी हटा देता हूँ, देख क्या होता है। राइट, जैसे देखो अभी क्या है, अभी क्या है, रेडुडेंट पाथ है, रेडुडेंट पाथ है ना, दो पाथ है। जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, तो इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। अगर ये डाउन हो गया तो इधर से चला जाएगा, लेकिन देखो एक क्या कर रखा है, ब्लॉक हो रखा है। ठीक है, ये तो मतलब जो ग्रीन साइन है ना, ग्रीन डॉट, इसका मतलब है ये फॉरवर्डिंग कंडीशन में, और इसका मतलब है ये ब्लॉक है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको अनब्लॉक कर देता हूँ। लेट्स, कैसे? मैं स्पेनिंग ट्री हटा देता हूँ, नो स्पेनिंग ट्री वीलेन वन। ओके, जैसे ही मैंने स्पेनिंग ट्री हटाई, देखो ये ग्रीन हो गया, अब इससे भी हटानी पड़ेगी। नो स्पेनिंग ट्री वीलेन वन।
इतने में तो दूसरा स्विच लगा देते। नो स्पेनिंग ट्री विल एन वन। ओके, अब मैंने सब जगह से स्पेनिंग ट्री हटा दिया, अब देखो सारे के सारे ग्रीन हो गए, किस कोई ब्लॉक नहीं हुआ। अब जो वो इश्यू फेस करेंगे जो मैंने बताया वो करेंगे। लेट से अब एक एक पैकेट भेजता हूँ मैं, इधर से भेजता हूँ इधर को। ऑलराइट, आईपी देनी पड़ेगी। सेंड आउट टू, नाउ लेट्स से सेंड ए पैकेट फ्रॉम हियर टू हियर। रवाना करते हैं, पैकेट यहाँ आया, अब क्या होगा, लेट्स सी नाउ। सी व्हाट इज हैपनिंग, सब कंप्यूटर के पास जा रहा है ब्रॉडकास्ट पैकेट, राइट। अब अगर ये रियल नेटवर्क होता ना, तो मैं मेरा अगर सीपीयू प्रोसेस और वो बाकी चीजें देखता तो 90-100 पहुंच जाती, पूरा स्विच काम करना बंद कर देता, पूरे स्विचेस के पोर्ट ब्लिंक करते तेजी से। ये बहुत कम फास्ट दिखा रहा है पैकेट ट्रेसर, एक्चुअल में आप देख नहीं सकते इतना फास्ट ट्रांसमिशन होता है। अब इस पे मैं स्विच को खोल के देखूंगा तो क्या बताएगा, ये अनस्टेबिलिटी शो मैक एड्रेस स्टेबल। देखो चेंज हो रहा है ना पोर्ट, ओके। अब मैं क्या कर देता हूँ, वापस एसटीपी इनेबल कर देता हूँ, कॉन्टी स्पेनिंग ट्री वीलेन वन। अगर मैंने कुछ नहीं किया था तब तो एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है ना, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी एसटीपी डज इट्स थिंग। तो स्पेनिंग ट्री ओके, जैसे ही मैंने एसटीपी इनेबल किया ब्रॉडकास्ट बंद हो गया, लेकिन अभी भी पोर्ट ये डाउन है, राइट। या मुझे डाउन ही दिख रहे हैं, पता नहीं, नॉट श्योर, पर एक्चुअल में ये अब आ गए हैं, ठीक है। नहीं, अभी भी लिसनिंग में चल रहे हैं, रुको।
जो जैसे पहला था वही अनब्लॉक, सॉरी वही ब्लॉक हो गया, एसटीपी ने अपना काम कर दिया, और अब आपकी रेडंडेंसी भी है। रेडंडेंसी कैसे, जैसे मान लेते हैं मैं, मेरा ये पाथ डाउन चला जाता है, जैसे मान लेते हैं मेरा इंटरफेस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 शट डाउन, ये डाउन चला गया भाई, तो अब क्या करेगा ये, इस पाथ को क्या कर देगा, अनब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडंडेंसी है और हम रेडंडेंसी को यूज करेंगे, बट नॉट साइमल्टेनियसली। ओके, आ गए आप। ठीक, जैसे मैं इसको वापस अनब्लॉक करूंगा, ये क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 शट डाउन, नो शट डाउन। जैसे ही मैंने किया नो शट डाउन, वापस इलेक्शन होगा, टक टक, ये वापस ब्लॉक हो गया। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट एसटीपी, नॉट ऑल अबाउट, एसटीपी इज द बिगेस्ट टॉपिक इन द स्विचिंग, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। राइट, अब इंटरव्यू में लगभग हर इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछेंगे भाई व्हाट इज एसटीपी, तो आपको सीधा सा इतना सा बताना है, एसटीपी प्रिवेंट ए लूप इन लेयर टू टोपोलॉजी या लेयर टू नेटवर्क। कैसे करता है, बाय ब्लॉकिंग रेडुडेंट पाथ या बाय ब्लॉकिंग अल्टरनेट पाथ। ठीक, ओके, इसकी मैंने पीडीएफ बना ली, अभी भेज देता हूँ मैं आपको ग्रुप में। और इज देयर एनी क्वेश्चन अदर देन द, कोई सवाल नहीं है? ऑल राइट, देन हैव अ ग्रेट नाइट।